का मैच चल रहा था वानखेड़े स्टेडियम में, और अक्सर जब भी वानखेड़े या किसी भी इंडियन ग्राउंड्स में मैच होता है तो इंडियन फैंस को, अक्सर मीडिया वालों को, सबको एक चीज़ की आदत हो गई थी ग्राउंड में सुनने की, वो था सचिन सचिन। लेकिन साल था 2015, सचिन 2013 में रिटायर हो गए थे, लेकिन 2015 के उस मुकाबले में सचिन सचिन तो नहीं, लेकिन ए बी डी लोग चिल्ला रहे थे। और जब ये सीन इंडियन प्लेयर्स ने देखे और खुद सुने, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, सभी लोग शॉक हो गए कि इस प्लेयर की, जो मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इब्राहिम बेंजामिन डिविलियर्स की जो पॉपुलैरिटी है, वो शायद ही किसी फॉरेन प्लेयर को इतना प्यार हिंदुस्तान में मिला हो जितना ए बी डिविलियर्स को मिला है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को 2018 में बाय बाय कह दिया था, 2021 तक आईपीएल खेला, लेकिन फैंस के लिए बुरी खबर आई पिछले साल नवंबर में, जब उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब मैं आईपीएल भी नहीं खेलूंगा और मेरी जो प्रिय टीम है वर्ल्ड में आफ्टर साउथ अफ्रीका आरसीबी के लिए भी अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, और दूर से ही मैं प्रे करूंगा कि आरसीबी टाइटल उठाए। लेकिन अब हल्की सी ट्विस्ट यहां पर नज़र आ रही है, अगर सब कुछ सही रहा तो ए बी डिविलियर्स मिस्टर 360 सुपरमैन ऑफ क्रिकेट की वापसी हो सकती है आरसीबी के खेमे में। अब ये पूरी रिपोर्ट क्या है, पूरी कहानी क्या है, आइए जरा सुनते हैं। पिछले साल क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास ले चुके दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ए बी डिविलियर्स के फैंस के लिए खुशी की खबर है। डिविलियर्स ने क्रिकेट की दुनिया में फिर से वापसी के संकेत दिए हैं। अफ्रीका के इस बल्लेबाज ने संडे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो अपने देश और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में कोई ना कोई भूमिका निभाना चाहते हैं। अगर डिविलियर्स क्रिकेट में वापसी भी करते हैं तो पहले की तरह गेंदबाजों की धुनाई करते हुए दिखाई नहीं देंगे। डिविलियर्स आरसीबी के साथ मेंटोर या कोच की भूमिका में जुड़ सकते हैं, जहां वो बल्लेबाजों को गेंदबाजों की कुटाई की टिप्स देते नजर आएंगे। आईपीएल में 184 मैच खेल चुके डिविलियर्स का कहना है कि कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन वो युवा खिलाड़ियों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के कई युवा खिलाड़ियों की मदद भी कर रहे हैं। डिविलियर्स के इस बयान के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो आईपीएल में आरसीबी की मदद करते नजर आ सकते हैं। आप हमें बताइए, आप ए बी डिविलियर्स को किस भूमिका में दिखना चाहते हैं, कमेंट करके आप ये सब बता सकते हैं। और इसके अलावा सबसे जरूरी, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।